ألف ليلى ألف ليلى ألف ليلى ألف ليلى ہر شب نئی کہانی دلچسپ ہے بیانی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی امانتاللہ علی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نے فوراً یاد فرمایا ہے ابھی حاضر ہوتا ہوں بیٹی عارفہ جی آج تم بھیڑوں کو چرانے اکیلی نکل جاؤ مجھے بڑی بیگم صاحبہ نے کسی کام سے بلوایا ہے ان سے مل کر میں چراگاہ میں ہی آ جاؤں گا جی ابا جان جلدی آئیے گا اچھا بیٹی آدھا برس ہے حضور بیگم آپ نے یاد فرمایا ہاں امانت اللہ یہ دو بھیڑے ہم تمہیں چرانے کے لیے دے رہے ہیں انہیں خوب کھلا پلا کر موٹا کرنا اور ہاں ان کی حفاظت کرنا یہ میرے شوہر کی امانت ہے انشاءاللہ میری بیٹی عارفہ ان کا ہر دم خیال رکھے گی اور میں اسے سمجھا دوں گا کہ وہ انہیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جائیں تو یہ بتاؤں کہ پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا حضور کہ اس سنگدل عورت نے جس گڈرے کو وہ بھیڑی سونپی تھی اسی کی بیٹی عارفہ اس جمال سے عشق کرتی تھی جسے سوتیلی ماں نے میڑا بنا دیا تھا عارفہ کے پاس جمال کا دیا ہوا ایک رومال تھا محبت کی اس نشانی کو دیکھ کر وہ اکثر رونے لگتی شریر ہے تو جانتا ہے یہ کس کی نشانی ہے میری محبوب جمال کی بہت دنوں سے وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا میرا دل اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے اسے دیکھ کر میڑا بھی رونے لگا یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ ایک جانور بھی اسے ہمدردی دکھا رہا ہے پھر اسے وہ راتیں یاد آنے لگی جب وہ چھپ چھپ کر چراگاہوں میں مل کر محبت کے گیت گایا کرتے تھے تنہائی میں بیٹھے الاؤ جلائے آنکھوں میں الجھی ہے آنکھیں نیند کہاں سے آئے سرد شبوں کی تنہائی میں
इश्क की आग दिलों में सुलगे सारा जिस्म जला में बड़ी ताकत होती है। आरिफा का इश्क इतना सच्चा था कि उसे अचानक उस मेले में अपने महबूब जमाल का चेहरा दिखाई दिया और उसे शक हुआ कि किसी ने उस पर जादू न कर दिया हो। ऐ आलिमुल गैब, मेरे रब, मुझे तो इसकी असलियत बता दे, ये कौन है? जमाल, मेरे महबूब, तुम, किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मालूम होता है ये जमाल की माँ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आमिले कामिल ख्वाजा मीर की मुरीद हूँ। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। जमाल बेटा, जमाल, गजाला, आहू चश्म, कहाँ हो तुम सब? दुरक्षा, अरे कहाँ? आहू चश्म, गजाला, जमाल बेटा, जमाल, आहू चश्म, गजाला, दुरक्षा, कहाँ हो सब? दुरक्षा बेगम, कहाँ हो तुम सब? जमाल बेटा, गजाला, आहू चश्म, दुरक्षा बेगम, देखो दुरक्षा, हम आपके लिए क्या लाए हैं? दुरक्षा बेगम, जमाल, गजाला, आहू चश्म, अरे कहां हो तुम सब लोग?
गजाला जमाल बेटा, दुरक्षा बेगम कहां हो? अरे भाई, तुम लोगों ने जो मंगाया था हम लाए हैं। ये देखो दुरक्षा, हम तुम्हारे लिए गुलबंद लाए हैं। बेटा जमाल, आपने नफीरी मंगाई थी ना, देखो हम प्यारी सी नफीरी लाए हैं। गजाला, हम आपके लिए हार लाए हैं। आहू चश्म, हम आपके लिए प्यारा सा हार लाए हैं। कहां हो? दुरक्षा बेगम, आपने छुरी मंगवाई थी कि नहीं? देखो हम आपके लिए छुरी लाए हैं। कहां हो तुम सब? दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, क्या हुआ, क्या हुआ दुरक्षा बेगम आपको? क्या हुआ बताई तो सही, कुछ तो कहो, क्या हुआ बेगम, कुछ तो कहो। मेरे मालिक, मेरे सरताज, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए मेरे सरताज। क्या हुआ, कुछ कहिए तो। बेगम आहू चश्म, हाँ? जमाल की अम्मी जान, हाँ क्या हुआ उसे? बेगम आहू चश्म, क्या हुआ उसे? अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ मैं खुदा। क्या किया? मैंने आहू चश्म को बहुत मना किया कि दरिया के सैर को मत जाओ, मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। और कश्ती उलट गई, हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई सरताज, हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई। उसकी तो लाश तक नहीं मिली, वरना मैं कब्र बनाकर उसके सिरहाने बैठ जाती। और मेरा बेटा जमाल, वो कहाँ है? जमाल कहाँ है? वो दरिया के किनारे किनारे अपनी माँ की लाश को ढूंढने के लिए गया है। दुआ करती हूँ लाश जल्दी मिल जाए। या रब, ये क्या किया तूने, क्या किया तूने, क्या किया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं, 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 न जाएं।
इसकी जिम्मेदार मैं हूं। तुम? हाँ, मैं। ये सब मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने किया है? क्या किया है तुमने? जो मैंने किया है उसके लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा मुझे, कभी माफ नहीं करेगा वो। मेरे सरताज, यकीन कीजिए, जब आप छोटी बेगम आओ चश्म को ब्याह कर लाए थे, उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी को हलाल करके गरीबों और फकीरों को खाना खिला दूंगी। मगर मैं कम नसीब, वो मन्नत भूल गई। हाँ, भूल गई मैं मन्नत, इसीलिए कयामत आई। हाँ, इसीलिए। और अब सिर्फ बेटा जमाल बचा है, इसीलिए मेरी ये मन्नत फौरन पूरी करो मेरे सरताज। एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी मंगवा कर अपने हाथों से उसे हलाल कीजिए, तभी तभी मुझे चैन आएगा, मेरी मन्नत पूरी होगी, वरना जमाल की जान को खतरा है। या अल्लाह, मैं क्यों भूल गई अपनी मन्नत, क्यों भूल गई मैं? मेरे गले पर छुरी फेर दीजिए छुरी मेरे गले पर। रो नहीं मेरी दर्दमंद बेगम, रो नहीं। अरे मैं तेरे दिल के हाल को जानता हूं, तूने तो छोटी बेगम अपनी सौतन को अपनी पलकों में बिठा रखा था। तेरे गम को, तेरी मोहब्बत को मैं पहचानता हूं मैं। यास्मीन जी, हुजूर, अमानतुल्लाह से कहो कि एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी फौरन इसी वक्त लेकर आए। जी। ऐ अल्लाह और उसके बंदों की खिदमतकार मददगार बेटी आरिफा, अल्लाह के पाक कलाम और रूहानी इल्म में वो ताकत है कि उसके सामने सिफली इल्म, काला जादू और शैतान मर्दूद मलून कभी ठहर नहीं सकता। जमाल और उसकी माँ गजाला आहू चश्म के सरों पर मौत मंडरा रही है। ये पानी अल्लाह का नाम लेकर उन पर छिड़क देना और ये फतीले आग में लाहौल पड़कर उस घर में जला देना। वो शैतान और तालीमोश अपने काले जादू के अंजाम को पहुंचेगा। जा बेटी, जल्दी जा, जा। जी। जा। आइए। सफर से आप यही छुरी लाए थे ना? हाँ बेगम। तो इन्हें इसी छुरी से अपने हाथों से हलाल कर दीजिए और अपनी मरहूम बीवी आहू चश्म की रूह को सवाब पहुंचाइए।
बेटी, अपने बेटे जमाल की जान बचा लीजिए, लीजिए। लीजिए, लीजिए। ये मुझे देखकर रो क्यों रहे हैं? नहीं बेगम, ये मुझे देखकर रो रहा है। जानवरों के रोने का ख्याल है आपको, और मेरे आंसू नहीं देखते आप। जो छोटी बेगम आहू चश्म और खोए हुए बेटे जमाल की मोहब्बत में बेख्तियार बह रहे हैं। लीजिए छुरी, आप पहले छोटी बेगम का सदका, पहले इस मेड़ी को हलाल कर दीजिए। लीजिए, लीजिए। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।